स्ट्रक्चर एंड स्ट्रक्चर मार्केट एंड स्ट्रक्चर ऑफ मार्केट। तो सबसे पहले अगर हम बाजार की बात करते हैं, एक सिंपल भाषा में, सिंपल लैंग्वेज में हम ये कह सकते हैं कि मार्केट का मतलब होता है जहां पर बायर्स एंड सेलर्स ये दोनों प्रेजेंट हो और गुड्स एंड कॉमोडिटीज की खरीदारी हो रही हो, एक बेच रहा है दूसरा परचेज कर रहा है, उसको हम लोग मार्केट कहेंगे। ये तो हो गया सिंपल लैंग्वेज में। लेकिन जब हम इकोनॉमिक्स की बात करते हैं तो एक मार्केट को डिफाइन करने में बहुत सारे टर्म्स और कंडीशंस होते हैं जिसको कि मार्केट कहा जाता है। एक प्लेस पर सिर्फ बायर्स एंड सेलर्स होने से ही वो मार्केट नहीं कहा जा सकता है। ये तो ठीक है, एक मार्केट ये भी है, एक पर्टिकुलर प्लेस है वहां पर गुड्स बेची जा रही हैं, बायर्स भी हैं और सेलर्स भी हैं, उसको मार्केट कहा जा सकता है। लेकिन इकोनॉमिक्स में एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज एट एनी प्लेस वेदर फिजिकल और इम फिजिकल में हम कह सकते हैं वर्चुअल में हमारा बाई टेलीफोन एक जगह से दूसरे जगह पर मार्केट सामान पहुंचाना है, हमने कॉल कर दिया जो सेलर्स है उसको हमने कॉल कर दिया कि फला जगह तुम्हें इतना सामान पहुंचाना है, वहां पर बायर्स है और उसने अपना सामान उसकी जगह पहुंचा दिया कॉल के जरिए। ऑनलाइन परचेजिंग जितनी हमारी होती है ये सारी वर्चुअल परचेजिंग है, जहां पर हमें ये नहीं पता है जो प्रोडक्ट बेचने वाला व्यक्ति है वो कौन है, हम सिर्फ उसके प्रोडक्ट को देखते हैं और उसके डिस्क्रिप्शन को पढ़ के हम उसके प्रोडक्ट को और जो है ऑर्डर करते हैं। और उसका माध्यम क्या होता है, उसका एक माध्यम है ऐप, उस ऐप में ही सारी चीजें होती हैं, चाहे वो फ्लिपकार्ट हो या फिर अमेजोन हो या फिर ऐसे बहुत सारी ऑनलाइन परचेजिंग, ये सब भी इकोनॉमिक्स में परचेजिंग कही जाती है। तो कहने का मतलब है कि अगर हम सिंपल, हमसे कोई कहे मार्केट जाना है तो हमारे दिमाग में सिर्फ एक चीज आता है कि एक पर्टिकुलर प्लेस पर हम जा रहे हैं जहां आप सेलर्स भी है और बायर्स भी है। बट जब हम इकोनॉमिक्स की बात करते हैं तो वहां पर जो एक्सचेंज हो रहा है गुड्स एंड सर्विसेज का, ये किसी भी प्लेस पर, चाहे वो फिजिकली कहीं जगह बैठ करके या शॉपिंग मॉल में बेचा जाए या फिर वर्चुअली ऑनलाइन भेजी जा रही है, कॉल करके मंगाया जा रहा है या फिर जो है हम ये कह सकते हैं कि ऑनलाइन परचेजिंग हो रहा है, तो ये सारी चीजें हमारी जो है वो जो अर्थशास्त्र में मार्केट कहलाती है। अब आता है डेफिनेशन ऑफ मार्केट। एक चीज और ध्यान में रखिएगा, इकोनॉमिक्स में अलग अलग प्रोडक्ट के लिए अलग अलग मार्केट होती है। अब जैसे कोई कोई मार्केट ऐसी होती है जहां पर सारे प्रोडक्ट एक साथ बिक रहे होते हैं, सब्जियां भी बिक रही हैं, सीरियल्स भी बिक रहे हैं, कॉस्मेटिक्स भी बिक रहा है, कपड़ा भी बिक रहा है, हर तरह का सामान, तो उसको हम लोग हॉट कहते हैं या फिर मेला जिसको कि फेयर कहा जाता है, मेला जिसको कहा जाता है। तो लेकिन जब हम अर्थशास्त्र की बात करते हैं तो यहाँ पर पर्टिकुलर प्रोडक्ट का पर्टिकुलर मार्केट होता है, उसको जो है
मार्केट कहा जाता है। जैसे अगर सीरियल्स बेचे जा रहे हैं, सीरियल्स के लिए गल्ला मंडी मार्केट, देखा होगा लखनऊ में बहुत सारी गल्ला मंडी है। और अगर फ्रूट्स के लिए, फ्रूट्स के लिए मार्केट क्या है, फल मंडी, आपने देखा होगा फल मंडी जो है बहुत जगह होती है। और उसके साथ साथ लोहा, अगर जहां पर लोहा बिकता है, आयरन की मंडी होती है तो उसको लोहा मंडी कहा जाता है। ऐसे अलग अलग कपड़ा मंडी, लोहा मंडी, गल्ला मंडी, हर तरह की मंडी होती है। यानी कि एक प्रोडक्ट का एक मार्केट होता है पर्टिकुलर, जिस जब वहां पर हम जाएंगे तो हमको उसके अलावा और वहां पर कोई दूसरा चीज नहीं मिलेगा। तो ये भी ध्यान रखने वाली चीज है। और अगर कहीं पर सारे सामान एक साथ बिक रहे हैं तो उसको हम लोग हॉट या फिर जो है मेला, फेयर कहते हैं। अब आता है डेफिनेशन। अर्थशास्त्र में बाजार की जो डेफिनेशन है वो अलग अलग इकोनॉमिस्ट ने दिया है। एक इकोनॉमिस्ट थे कॉर्नो, जिन्होंने ये कहा कि एक ऐसी जगह, एक ऐसा प्लेस जहां पर जो किसी एक पर्टिकुलर कॉमोडिटीज की, जैसे मान लीजिए ऑरेंज बिक रहा है, पर्टिकुलर कॉमोडिटीज है एक, इसका बायर्स और सेलर्स, सेलर्स इन दोनों के बीच में इस तरीके से रिलेशन बन रहा हो, संपर्क किया जा रहा हो, जिसमें जो भी कॉमोडिटीज की प्राइस ये सेलर्स रख रहा है उस प्राइस पर ये बायर्स परचेज करने को आसानी से तैयार हो जाता है, तो उसको हम लोग मार्केट कहते हैं। ये तो कॉर्नोट का जो है डेफिनेशन था। दूसरा डेफिनेशन आता है प्रोफेसर सिजवेक। प्रोफेसर सिजवेक जिन्होंने मतलब ये बताया है कि कोई एक पर्टिकुलर जगह पर जहां गुड्स एंड सर्विसेज का एक्सचेंज अलग अलग प्राइस पर किया जाता है उसको हम लोग जो है मार्केट कहते हैं। यानी कि एक ऐसा प्लेस जहां पर गुड्स एंड सर्विसेज इन दोनों का एक्सचेंज डिफरेंट प्राइस पर किया जाता है, डिफरेंट प्राइस पर किया जाता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, मार्केट कहते हैं। तो अलग अलग तरीके से अलग अलग इकोनॉमिस्ट ने अपने अपने जो डेफिनेशन को डिफाइन किया है। और अब नेक्स्ट आता है करेक्टरिस्टिक्स ऑफ मार्केट। मार्केट की विशेषताएं क्या होनी चाहिए या क्या होती है अर्थशास्त्र में, इसको भी एक बार देख लेते हैं हम लोग। करेक्टरिस्टिक्स ऑफ मार्केट। वन वन एरिया, पहला करेक्टरिस्टिक्स। अर्थशास्त्र में किसी एक पर्टिकुलर एरिया को ही सिर्फ मार्केट नहीं कहा जाता है। डू नॉट कॉल्ड मार्केट कि बस एक पर्टिकुलर जगह पर बैठ करके हम जो है सामान को सेल कर रहे हैं तो उसको मार्केट कह दिया गया, ऐसा नहीं है। बल्कि अगर हम फोन कॉल करके जो है सामान को मंगवा रहे हैं या फिर ऑनलाइन अगर परचेजिंग हो रही है, ऑनलाइन परचेजिंग हो रही है तो इसको भी जो है हम लोग मार्केट की ही श्रेणी में रखते हैं, उस मार्केट की ही उस पे कैटेगराइज किया जाता है। क्योंकि वहां सिर्फ गुड्स एंड सर्विसेज के एक्सचेंज से मतलब होता है,
ना कि पर्टिकुलर एरिया में बैठकर ही गुड्स एंड सर्विसेज को एक्सचेंज किया जाए। दूसरा वन कॉमोडिटी, एक बार में एक ही वह गुड्स बेचा जा रहा है, यानी कि अलग अलग तरीके के गुड्स के लिए अलग अलग मंडीज होती हैं। सारा जो मिक्सचर होता है उसको हम लोग मार्केट अर्थशास्त्र में नहीं कहते हैं। अनाज मंडी, फल मंडी, और सब्जी मंडी, इस तरीके से अलग अलग मंडीज होती है। लोहा मंडी, सराफ, शराफ जानते हैं किसको कहा जाता है, गोल्ड को, जो गोल्ड मर्चेंट होते हैं उनको कहा जाता है, जहां पर होते हैं सब उन्हीं के मार्केट को शर्राफा बाजार, हिंदी में कहा जाता है सर्राफा बाजार, जहां पर सिर्फ गोल्ड एंड सिल्वर की मार्केटिंग हो रही है। तो ये जो है वन कॉमोडिटी को, अलग अलग कॉमोडिटी को अलग अलग नाम से बुलाया जाता है उस मंडी को। सब मिक्सचर, खिचड़ी नहीं पकाया जाता है, लेकिन ऐसे जनरली हम क्या करते हैं, अभी कहीं हमारे आसपास भी मार्केट लगी होती है तो हम कहते हैं हम जा रहे हैं मंडी, मंडी में जबकि सारी चीजें बिक रही है, वो मंडी नहीं हो सकती है, वो तो लोकल मार्केट है। तीसरा जो करेक्टरिस्टिक्स है, बायर्स एंड सेलर्स। यानी कि एक मार्केट के लिए बायर्स एंड सेलर्स का होना बहुत जरूरी है। अगर सिर्फ बायर्स रहेगा तो भी मार्केट एक्सचेंज नहीं हो पाएगा, और सिर्फ सेलर्स रहेगा तो भी नहीं हो पाएगा। इसलिए ये दोनों जो है ये मार्केट का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट होते हैं, इम्पॉर्टेंट पार्ट माने जाते हैं। बिना इनके जो है मार्केट की जो स्वरूप है, स्ट्रक्चर है, वो पॉसिबल नहीं हो सकता है। कॉम्पिटिशन परफेक्ट होना चाहिए मार्केट में, कॉम्पिटिशन परफेक्ट। और इनमें स्वतंत्र प्रतियोगिता होनी चाहिए। दूसरा नेक्स्ट जो है वन प्राइस। बाजार में जब बायर्स एंड सेलर्स के बीच प्रतियोगिता होती है तो गुड्स का जो प्राइस होता है वो इक्वल होता है, समान होती है, क्योंकि परफेक्ट कंपटीशन में जो सेलर्स होते हैं वो प्राइस टेकर होते हैं, ना कि प्राइस मेकर। ना कि प्राइस मेकर। तो इस तरीके से ये मार्केट का करेक्टरिस्टिक्स हो गया। अब नेक्स्ट आता है क्लासिफिकेशन ऑफ मार्केट। क्लासिफिकेशन का मतलब हो गया कितने तरीके की मार्केट होती है। सबसे पहले ऑन द बेसिस ऑफ एरिया, और ये ऑन द
बेसिस ऑफ टाइम, और ये ऑन द बेसिस ऑफ कॉम्पिटिशन, ऑन द बेसिस ऑफ एरिया में लोकल मार्केट, और दूसरा रीजनल मार्केट, रीजनल मार्केट, और तीसरा नेशनल मार्केट, और चौथा इंटरनेशनल मार्केट। ये चार प्रकार का होता है। उसी तरीके से ऑन द बेसिस ऑफ टाइम, इसमें जो है वेरी शॉर्ट पीरियड मार्केट, दूसरा शॉर्ट पीरियड, तीसरा लॉन्ग रन पीरियड मार्केट, और चौथा वेरी लॉन्ग रन पीरियड मार्केट। अब इसमें ऑन द बेसिस ऑफ कॉम्पिटिशन, परफेक्ट कॉम्पिटिशन, दूसरा इम्परफेक्ट कॉम्पिटिशन मार्केट, और तीसरा मोनोपोली, मोनोपोली मार्केट। ये हो गया क्लासिफिकेशन। अब वन बाय वन, सबसे पहले लोकल मार्केट की बात करते हैं। लोकल मार्केट का मतलब होता है कि ये जो हमारे आसपास ऐसे मार्केट होते हैं जिसमें वो छोटे छोटे एरियाज में ये लोकेट होते हैं, और ये जो लोकल मार्केट होता है इसमें वो सारे गुड्स सेल किए जाते हैं जिनकी बहुत ज्यादा जैसे डिमांड नहीं होती है, लेकिन इनकी ड्यूरेबिलिटी भी साथ में बहुत कम होती है जो कि लोकल डिमांड में इंक्लूड किए जाते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे हम बात करते हैं कर्ड है, दही है, मतलब दही, दूध, सब्जी, अंडा, और ये सारे जो है लोकल मार्केट में आते हैं जो कि नॉन ड्यूरेबल होते हैं। साथ में कुछ ड्यूरेबल गुड्स भी होती हैं जिसको कि लोकल मार्केट में इंक्लूड किया जाता है, जैसे लोकल ईटा जो होता है, ईट, ईट जो होता है ये लोकल होता है मार्केट। आपके आसपास ही कहीं ईट भट्टा होता है जहाँ से ईट आता है, ऐसा नहीं कि लखनऊ से ईट जाएगा फैजाबाद और फैजाबाद से जाएगा ईट जो है वो वाराणसी और वाराणसी से प्रयागराज जाएगा, बल्कि ईट जो होता है लखनऊ के आसपास ही कहीं ये ईट भट्टा होगा जहाँ से लखनऊ में ईट आएगा, तो इसको जो है लोकल मार्केट में इंक्लूड किया जाता है। पत्थर है, रेत है, रेत मतलब बालू जो घर बनाने के लिए आता है, ये ड्यूरेबल गुड्स में है, और कर्ड, दही, सब्जियां ये नॉन ड्यूरेबल में, और ये दोनों लोकल मार्केट में आते हैं। फिर आता है रीजनल मार्केट। रीजनल मार्केट जिसको कि हम लोग प्रांतीय बाजार कहते हैं, और ये जो है थोड़ा सा जो लोकल मार्केट होता है इससे थोड़ा बड़ा होता है जो है, जिसको कि हम इसके डिमांड जो गुड्स होती हैं उसके डिमांड और सप्लाई पर इसके लिमिट को फिक्स करते हैं और उसी हिसाब से इसका प्रोडक्शन करते हैं। जैसे मतलब रीजनल का मतलब हो गया एक स्टेट से दूसरे स्टेट टू स्टेट मार्केट, एक स्टेट से दूसरे स्टेट में सामान जा रहा है। जैसे लखनऊ की चिकन के सामान, जो चिकन के सामान होते हैं, चिकन के क्लोथ्स जो है, इसकी डिमांड बाहर के स्टेट में बहुत ज्यादा है,
महाराष्ट्र की पगड़ी है, राजस्थान का जो बंधेज है, गुजराती कपड़े हैं, फिरोजाबाद की चूड़ियां हैं, तो ये सारी क्या है, एक जगह से दूसरी जगह जो जा रहे हैं, बनारसी साड़ी है, तो ये सब हमारे यहाँ यूपी में क्या है, चिकन का है, बनारसी साड़ियां हैं, ये सब बाहर डिमांड है, तो इसको हम लोग रीजनल स्टेट टू स्टेट नेशनल मार्केट यानी कि किसी एक कंट्री का जो बाजार होता है यानी उसको जो है नेशनल मार्केट कहा जाता है, जिसमें जैसे भारत में स्पेशली मतलब यहाँ पर स्टेट का स्पेशलाइजेशन देखा जाता है रीजनल मार्केट में, और नेशनल लेवल पर हम पूरे भारत का स्पेशलाइजेशन देखते हैं कि भारत में स्पेशली स्पेशल क्वालिटी क्या है। तो भारत में साड़ियों का मैन्युफैक्चरिंग होता है, कांच की चूड़ियों का, इन सब की सबसे ज्यादा डिमांड होती है, तो इस वजह से इसको जो है नेशनल मार्केट कहा जाता है। अंतरराष्ट्रीय बाजार, जब हमारे देश का सामान दूसरे देश में बेचा जा रहा है तो उसको अंतरराष्ट्रीय बाजार कहा जाता है, यानी कि ये डिमांड सिर्फ हमारे देश में ना रह के पूरे विश्व के लेवल पर होता है, वर्ल्ड वाइड होता है, जिसमें सोना चांदी वीट कॉटन पटसन ये सारी चीजें इंटरनेशनल मार्केट में डिमांड की जाती है। अब आता है ऑन द बेसिस ऑफ टाइम, वेरी श्योर इसमें कि समय के आधार पर जो बाजार को अलग अलग डिवाइड किया गया है, तो वेरी शॉर्ट पीरियड में क्या है कि जो हमारी डेली मार्केट होती है, वेरी वेरी शॉर्ट पीरियड मार्केट में डेली मार्केट को इंक्लूड किया जाता है। अब डेली मार्केट में क्या है, जो मैंने इधर बताया था नॉन ड्यूरेबल गुड्स जो होती है हमारी, ये जो है डेली मार्केट में इंक्लूड किया जाता है, नॉन ड्यूरेबल गुड्स, कर्ड चीज पनीर मिल्क, ये सारे जो है हमारे नॉन ड्यूरेबल में आते हैं, और ये जो है वेरी शॉर्ट पीरियड मार्केट में इंक्लूड किया जाता है। फिर उसके बाद आता है शॉर्ट पीरियड मार्केट, एक ऐसी मार्केट जो कि जिसमें थोड़ा सा हमें समय मिल जाता है अपने गुड्स को रिजर्व करने का, रिजर्व में रखने का, तो ऐसी मार्केट को हम लोग शॉर्ट पीरियड मार्केट कहते हैं। अब इसमें कौन कौन सी चीजें इंक्लूड की जाती है, जैसे कि हम लोग ये कह सकते हैं कि वो सामान जो कि किसी एक प्लांट से दूसरे प्लांट तक ले जाने में हेल्प करता है, तो नॉन ड्यूरेबल गुड्स, जैसे ये जो ड्यूरेबल गुड्स हैं इसको हम लोग शॉर्ट पीरियड में इंक्लूड करते हैं, नॉन ड्यूरेबल को वेरी शॉर्ट, ड्यूरेबल को शॉर्ट पीरियड में इंक्लूड किया जाता है। और तीसरा जो आपका आता है उसको हम लोग कहते हैं लॉन्ग पीरियड मार्केट, जो लॉन्ग पीरियड मार्केट है इसमें हम डिमांड के अकॉर्डिंग अपनी जो सप्लाई है उसको इंक्रीज और डिक्रीज कर सकते हैं, जैसा हमारा डिमांड होगा, डिमांड बढ़ेगा तो सप्लाई को इंक्रीज किया जाएगा, डिमांड घटेगा तो सप्लाई को हम डिक्रीज करेंगे, यानी कि इसमें अच्छा खासा टाइम हो सकता है, इसमें ये जैसे 6 मंथ तक का टाइम होता है, ये जो हमारा डेली वेजेस का है, लॉन्ग रन में काफी समय तक चीजों को हम रख सकते हैं, जैसे साल भर 2 साल इस तरीके से इसमें टाइम होता है, जिसको कि इसी लॉन्ग रन पीरियड में ही जनरल प्राइस को भी लिया जाता है, कि वस्तु का जो प्राइस है वो जनरल प्राइस लिया जाता है, ना तो इन्फ्लेशन है और ना ही डिफ्लेशन है, एक सामान्य मूल्य डिटरमिन किया जाता है, निर्धारित किया जाता है लॉन्ग रन पीरियड में। अब वेरी लॉन्ग रन पीरियड में क्या है कि मतलब ऐसी मार्केट जिसमें हम जैसे जैसे हमारी पॉपुलेशन ग्रो कर रही है उसके अकॉर्डिंग हम सामान की जो डिमांड है उसको बढ़ाते जा रहे हैं, प्रोडक्ट की जो क्वांटिटी है उसको बढ़ाते जा रहे हैं, जैसे जैसे हमारा पॉपुलेशन
पॉपुलेशन बढ़ रहा है, या फिर अगर हमारा फैशन चेंज हो गया, इंटरेस्ट चेंज हो गया, हमारा कस्टम चेंज हो गया, हमारे खाने पीने की हैबिट चेंज हो गई, तो उसके अकॉर्डिंग जब हम डिमांड करते हैं तो उसको वेरी लॉन्ग पीरियड में इंक्लूड किया जाता है। वेरी लॉन्ग पीरियड में ध्यान रखिएगा, यहाँ पर इसमें जो है जनरल प्राइस लिया जाता है, जनरल प्राइस, और इसमें सेक्युलर प्राइस, सेक्युलर प्राइस को रखा जाता है। ये हो सकता है पूछा जाए, जनरल प्राइस, सेक्युलर प्राइस। अब तीसरा आता है ऑन द बेसिस ऑफ कंपटीशन। ऑन द बेसिस ऑफ कंपटीशन में आपको ये पता ही है कि परफेक्ट कंपटीशन में लार्ज नंबर ऑफ बायर्स आर सेलर्स आर फाउंड इन परफेक्ट कंपटीशन। इन परफेक्ट कंपटीशन ऑल बायर्स आर प्राइस टेकर नॉट अ प्राइस मेकर। और यहाँ पर परफेक्ट कंपटीशन में ही इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन होने के चांसेस रहते हैं। तो इस तरीके से जो परफेक्ट कंपटीशन का जो मार्केट है उसमें हम लोग ये कह सकते हैं कि अलग अलग तरीके से जो है ये मार्केट रहती है, जहां पर ए आर इज इक्वल टू एम आर इज इक्वल टू पी। यानी कि यहाँ पर इस परफेक्ट कंपटीशन में परफेक्ट कंपटीशन प्राइस टेकर नहीं होता है, प्राइस मेकर होता है। प्राइस टेकर होता है, प्राइस मेकर नहीं होता है। कैसे होता है यहाँ पर हम आपको बताते हैं। एक्स वाई ये है, सिंगल एक्स वाई ये है सिंपल डिमांड कर्व और सप्लाई कर्व, सप्लाई और डिमांड। तो जहां पर ये इंटरसेक्ट करती है ये हो गया, यहाँ पर ये प्राइस निर्धारित हो गई। ये हो गई इंडस्ट्री, टेक्सटाइल इंडस्ट्री, किसी भी तरीके की कोई एक इंडस्ट्री हो गई। अब ये हो गया फर्म, परफेक्ट कंपटीशन का एक्स वाई, ए जो है इंडस्ट्री है और ये हो गई फर्म। फर्म में ही परफेक्ट कंपटीशन होता है। अब यहाँ पर क्या होगा कि ये देखिए प्राइस ये निर्धारित कर रही है, इसी प्राइस पर इसको अपनी गुड्स एंड सर्विसेज को सेल करना है, एम आर इज इक्वल टू पी। इस तरीके से ये जो है परफेक्ट कंपटीशन को शुरू होती है। ये देखिए इंडस्ट्री ने जो प्राइस फिक्स की डिमांड और सप्लाई के अकॉर्डिंग, यहाँ पर इक्विलिब्रियम में है, तो इसी प्राइस को आगे बढ़ाते हुए हम फर्म के लिए डिटरमिन करते हैं। अब इसी प्राइस पर जहां पर एम आर को एमसी कर्व कट करेगी इस पॉइंट पर, तो क्वांटिटी इतनी सेल की जाएगी, और यहाँ पर नहीं, इस पॉइंट पर नहीं करेगी। ये तो हम आपको बताए थे क्योंकि ये ऊपर से नीचे कट कर रही है, यहाँ से ऊपर से नीचे जा रहा है, तो यहाँ पर जो है इक्विलिब्रियम मिल रहा है, जहाँ पर दोनों कंडीशन हमारा हो रहा है एम सी इज इक्वल टू एम आर, और ये कंडीशन हमारी जो हो रही है, और दूसरी कंडीशन ये भी हो रही है ए आर सारी, और तीसरी कंडीशन हमारी जो है, सॉरी ये दूसरी कंडीशन हो गई और तीसरी कंडीशन एम सी जो है वो नीचे से ऊपर की तरफ कट कर रही है एम सी कर। तो इस पॉइंट पर इतना प्रोडक्ट सेल कर सकता है फर्म इस प्राइस पर, ओपी प्राइस पर, और इस ओपी प्राइस को किसने निर्धारित किया है, इंडस्ट्री ने निर्धारित किया है। तो इस तरीके से परफेक्ट कंपटीशन में जो इंडस्ट्री होती है, फर्म होती है, फर्म सिर्फ प्राइस टेकर होती है, ना कि वो
प्राइस मेकर होती है। इम्परफेक्ट मार्केट में जैसे मैंने बताया था कि थोड़ा सा लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर्स होते हैं, लेकिन इतने ज्यादा नहीं होते हैं कि एक दूसरे को प्रोडक्ट के दाम को प्रभावित ना कर पाए और ना ही जो है वो कर आपस में कॉलिजन बना करके वो निर्धारित कर सकते हैं। तो इसलिए यहाँ पर एक मैक्सिमम रिटेल प्राइस बना दी जाती है जिसमें जो है ए आर निर्धारित हो जाता है, ए आर इज इक्वल टू पी उसके नीचे एम आर। और जैसे जैसे हमको अपना प्रोडक्ट ज्यादा सेल करना है वैसे वैसे हमको अपनी प्राइस को नीचे डाउन करना पड़ेगा। यहाँ पर ये ओपी प्राइस ये इसकी मैक्सिमम प्राइस एमआरपी निर्धारित कर दी गई। अब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि जितना आपको अपना प्रोडक्ट ज्यादा बेचना होगा उतना नीचे आपको आना होगा, और जैसे जैसे आप नीचे आएंगे वैसे वैसे प्रोडक्ट की मात्रा बढ़ती चली जाएगी। ये इम्परफेक्ट मार्केट में, मोनोपोली में भी ऐसे ही होता है। बस मैंने क्या कहा था कि ये जो है थोड़ा सा फ्लैटर होता है ए आर टू पी और ये इसके थोड़ा एम आर, यानी कि ये दोनों ओरिजिन पॉइंट के ज्यादा करीब होते हैं। मोनोपोली में सिर्फ एक बायर्स होगा, एक सेलर्स होगा और लार्ज नंबर ऑफ बायर्स होंगे। मोनोपोली जो है वो सिर्फ गवर्नमेंट की होती है। इसका एग्जाम्पल है जैसे रेलवेज है। रेलवे क्या है, गवर्नमेंट की रोल मोनोपोली है। यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी है, इलेक्ट्रिसिटी में भी कोई प्राइवेट कंपनी नहीं है, गवर्नमेंट की मोनोपोली है। जब तक बीएसएनएल अकेले था गवर्नमेंट की मोनोपोली थी, अभी तो बहुत सारे मार्केट आ गए। तो इस वजह से आप कम्युनिकेशन का जो मार्केट है ये इम्परफेक्ट मार्केट में इंक्लूड हो गया है। परफेक्ट मार्केट में नहीं, इम्परफेक्ट मार्केट में इंक्लूड हो गया है। अब यहाँ पर ही जैसे आता है कि ये इम्परफेक्ट मार्केट में जियो ने सबको डाउन कर दिया है, यहीं पर ये कट थ्रोट जो कंपटीशन आता है इसी में आता है गला काट प्रतियोगिता, किस तरीके से एक कंपनी को डाउन किया जाए और दूसरे को उठाया जाए। तो ये सारे मार्केट हैं जो हम लोगों को इसमें पढ़ना था। और जो है कल से हम लोग जो मेन टॉपिक हमारा है मैक्रो इकोनॉमिक्स में, उसके बारे में हम लोग इसमें पढ़ेंगे कि इक्विलिब्रियम ऑफ फर्म एंड इंडस्ट्री अंडर परफेक्ट कंपटीशन। अब थोड़ा सा टफ पोर्शन है, अच्छे से ध्यान से पढ़िएगा और बार बार रिपीट करिएगा घर पर। अब आप लोग तो प्रमोट हो गए हो, दोबारा तो प्रमोट होना नहीं है। प्रमोशन का जो मैसेज आया है वो सिर्फ फोर्थ सेमेस्टर के लिए है, ये ध्यान रखिएगा, है ना। आप लोग तो पहले ही प्रमोट कर दिए गए थे, फोर्थ सेमेस्टर वाले बेचारे रह गए थे सेकंड इस सेमेस्टर के लिए, उनको भी प्रमोट कर दिया जा रहा है। तो प्रमोशन वाली प्रक्रिया सिर्फ फोर्थ सेमेस्टर के लिए है, आप लोग का प्रमोशन हो चुका है। तो आप लोगों को पढ़ना है, इस चीज को ध्यान रखिएगा।